Hello friends, I am Sharmila. In today's class, we are going to study about the Pythagoras Theorem. आज हम Pythagoras Theorem के बारे में study करने वाले हैं. Pythagoras का Theorem 90 degree यानी कि right angle वाले triangle को ही applicable होता है. तो यहाँ पे हम first sum लिया है. In triangle ABC, AB is equal to 12 cm, BC is equal to 5 cm, find the length of AC. अभी यहाँ पे मैंने diagram में लिख लिया है. AB is equal to 12 cm and BC is equal to 5 cm. अभी ये डायग्राम में हमें यहाँ पे दिया है एंगल B. एंगल B is a 90 degree. 90 degree यानी राइट एंगल ट्रायंगल. अभी 90 degree के लिए पाइथागोरस का थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अभी यहाँ पे डायग्राम में दिया है हाइट इज एबी, एबी इज 12 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट हियर एबी स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी इज बेस, सो बीसी स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस है एसी स्क्वायर. अभी एबी की लेंथ है 12, दी होल स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगी मैं, प्लस BC is 5 cm, 5 the whole square. अभी 12 का square मुझे find करना है. 12 का square है 144 plus 5 का square है 25. अभी हम यहाँ पे addition करेंगे. 5 plus 4 is 9, 2 plus 4 is 6 and 1 will be as it is. So AC का square है 169. अभी हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है. अभी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दोनों साइड का मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो दिस स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यहाँ पे एसी रहेगा एंड 169 का स्क्वायर रूट है 13. सो एसी का लेंथ मुझे मिलता है एसी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पाइथागोरस के थ्योरम में सॉल्व कर सकते हैं. और सेम तरीके से अगर हमें हाइपोटेनियस दिया जाता है एंड हाइट दी जाती है तो हम बेस भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोगों को हाइपोटेनियस दिया है और बेस दिया है तो हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.